السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرض التي هلت بفناء. अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहे जहाँ पे भी रहे। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं रस्पी का आगाज। नजरों न्याज का सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ वह आज हमारे यहाँ 5 मुहर्रम हो चुकी है, तो हमने बनाई बड़े मज़ेदार सी चने की दाल का यखनी पुलाव, जिसको बनाना नहायत ही आसान है। किस तरह से बनाएंगे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मौजूद हैं। 5 किलो की हमने ये बनाई है बिरयानी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रम अल हराम की 5वीं नियाज है, तो आज हम बनाएंगे चने की दाल का यखनी पुलाव। ये चने की दाल मैंने 1 किलो ली थी, इसको अच्छे से मैंने धोने के बाद उबाल लिया था। अब ये देखिए हमारी दाल अच्छे से उबल गई है। इसके साथ साथ हमें चाहिए होगी 1 किलो प्याज चाहिए होगी, इसको मैंने काट लिया था। टमाटर डालेंगे इसके अंदर 4 से 5 अदद। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। बे लीव्स 6-7 डाल दीजिए। 2 पैकेट मैंने कनौर क्यूब्स के लिए, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 4 टेबल स्पून, और इसके साथ साथ मैंने बासमती राइस लिए थे। ये देखिए 3.5 से 4 किलो चावल हैं, इसको हमने अच्छे से धोने के बाद भिगो दिया था। चलें अब इसको हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करें। बड़े से साइज का पतीला ले लिया, अब इसके अंदर हम घी डाल देंगे। घी डाला है मैंने कोई 2 कप, 2 कप भर के आपने घी डाल देना है। जो प्याज हमने काटी हुई थी वो सारी की सारी इसके अंदर डाल देंगे। आप बताइएगा आपको हमारी मुहर्रम की न्याज की रेसिपीज कैसी लग रही है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलें सब इसके अंदर डाल दें। ना कड़कड़ा जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया हुआ था वो सब इसमें डाल दें। गर्दनों की यखनी मैंने बनाई थी, तो उसमें से गर्दनें निकाल ली थी। गर्दनों की यखनी नमक और अदरक लहसुन डालकर खूब सारा पानी डाल के उबलने को रख दिया था। ये सब इसके अंदर डाल देंगे, साथ साथ टमाटर, कनौर क्यूब्स, हरी मिर्चें सब इसमें डाल देंगे। टेबलस्पून भर के इसके अंदर हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना है, और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। आंच हल्की करके भून लें, थोड़ी सी यखनी डाल दें। अगर आपको लग रहा है थोड़ा ड्राई हो रहा है, जल रहा है मसाला, तो थोड़ी सी यखनी ऐड कर दें। ये देखिए सारा मसाला हमारा कितना अच्छा सा भुन चुका है। ये देखिए चिकन की गर्दनों पे भी कलर कितना जबरदस्त सा आ गया है। इस टाइम पे आंच को हल्की कर देंगे, और जो यखनी हमने बनाई हुई थी चिकन की वो सारी की सारी इसके अंदर डाल दें। यखनी डाल देने के बाद अब इसके अंदर हमने नमक डाल देना है। नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि यखनी में भी मैंने थोड़ा तेज नमक डाला हुआ था। चलें आप ये देखें, जब आपकी यखनी में इसमें उबाल आ जाएगा तो जो चावल हमने भिगोए हुए थे वो सारे के सारे इसके अंदर हमने डाल देने, और चावल डाल देने के बाद हमने नमक चेक कर लेना है कि नमक ठीक है इसके अंदर, कि कम है तो और डाल देना। चलें अब इसके अंदर हमने नमक थोड़ा सा, मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और डाल देंगे। ये देखिए चावलों में पानी हमने इतना डालना है कि चावल आपके अच्छे से डूबे रहें, और आपको ये देखिए चम्मच चलाने में इस तरह करके आसानी हो रही है। आपने डबल क्वांटिटी में इसके अंदर यखनी या पानी डालना होगा। चलें अब इसको ढक के उबलने देते हैं तेज आंच पे। जब आप देखें चावलों में इस तरह करके उबाल आना शुरू हो गया है, तो जो चने की दाल हमने उबाली हुई थी और सारी की सारी इसके अंदर डाल दें। देखिए इस टाइम पे आप देखिए पानी हमारा काफी हद तक कम हो गया, 85% तक कम हो गया। अब इसके ऊपर हरी मिर्ची इस तरह करके डाल देंगे, और इसको हल्की आंच पे रख के दम पे लगा देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद ये दम पे आ जाएंगे, फिर हम आपसे
दम पे लगाए हुए आपको 15 मिनट पूरे हो जाएं, यानी कि इसका जो पानी है काफी हद तक खुश्क हो जाए, तो इस टाइम पे हमने इसको उतार लेना ढक्कन को। थोड़ा सा फूड कलर मैंने घोला हुआ था पानी के अंदर, ये इसके अंदर डाल देंगे, और इसके साथ साथ थोड़ा सा घी इसके ऊपर इस तरह करके डाल देंगे। अगर आप पानी के टाइम पे फूड कलर डालते तो सारे चावल आपके ऐसे कलर हो जाते तो अच्छे भी नहीं लगते, अभी कोई कोई चावल कलर होगा। चलें अब इसको दोबारा दम पे लगा दे। चले जी 20 से 25 मिनट पूरे हो गए माशाल्लाह से। ये देखिए हम अपना दम उठाते हैं, हम अपना नहीं चावलों का। ये देखें अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितने जबरदस्त खिले खिले से हमारे चावल ये देखे तैयार हुए। चले अब चूल्हे को बंद कर देंगे और अब इसे डब्बों में डालते हैं ताकि सब लोगों में तकसीम कर सके। माशाल्लाह से गर्मा गर्म हमारी चने की दाल की कबूली या आप इसे चने की दाल का शाही पुलाव कह लें यखनी वाला तैयार हो चुका है। इसको सर्व किया हमने लाल सी चटनी के साथ थोड़ी मिर्चों वाली। चलें अगर आपको वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा आपसे इजाज़त चाहूँगी, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।